Let's do question number 6th of exercise 3b, that is linear equation 2 variable. Question number 6th is solve for x and y. Hame x aur y ki values nikalni hai aur hamari equation hai 2x minus y plus 3 equals to 0 aur 3x minus 7y plus 10 equals to 0. तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो हमारी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. और सेकंड इक्वेशन थी 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट उधर ले जाके 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 3x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 10. देखिए सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं देखूं यहाँ 7y है और यहाँ y है, तो अब मुझे दोनों मतलब ऑपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 7 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अगर मैं नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यही आएगा, तो मुझे बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे से 7 लिया और वो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया और एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया. तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई की. तो मल्टीप्लाइंग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को ही मल्टीप्लाई करो, किसी एक को भी कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाइंग, बस मेन थिंग हमारे को दिमाग में रखना है कि ये जो कॉफिशेंट्स हैं दोनों के, दोनों इक्वेशन के सेम कॉफिशेंट्स सेम आने चाहिए. सेम कॉफिशेंट्स का मतलब है y के तो y के सेम आने चाहिए और x है तो x के सेम आने चाहिए. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7, तो ये कितना आ गया, 7 2 14x माइनस 7y equals to 7 3 21, और दूसरी वाली क्या थी, 3x minus 7y equals to minus 10. अब साइन चेंज करने का था नेक्स्ट स्टेप, तो ये हमने साइन चेंज कर दिया. देखिए अब 7 का माइनस था तो प्लस हो गया, 10 का माइनस था तो प्लस हो गया और 3 का प्लस था तो माइनस हो गया. अब देखिए ये एक प्लस का था और एक माइनस का 7, तो कैंसिल हो गए. अब 14 देखिए, 14 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा. इसी तरीके से 21 एक माइनस का एक प्लस का 10 है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और साइन बड़े वाले का लग गया. तो x कितना आ गया, माइनस 11 अपॉन 11, तो ये कितना आ गया, माइनस 1 कैंसिल होके, राइट. अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू x की जगह माइनस 1 रखा, माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3, तो ये देखिए माइनस 2 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3, तो माइनस वाई कितना आ गया, माइनस 3 और 2 उधर जाके प्लस का हो गया, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू आ गई 1 इज द आंसर.